नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में असम पुलिस में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और वो किस चीज़ का है? असम पुलिस एक्साइज कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यानी अभी हाल ही में असम में आबकारी विभाग में पुलिस एक्साइज कांस्टेबल की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर बात करें इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो आपसे टोटल 222 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि असम पुलिस एक्साइज कांस्टेबल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, असम पुलिस एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, असम पुलिस एक्साइज कांस्टेबल का सिलेबस क्या रहेगा, असम पुलिस एक्साइज कांस्टेबल की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में असम पुलिस एक्साइज कांस्टेबल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2023 के बारे में आपके जितने भी डाउट बने हैं, वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा अगर कोई चीज़ फिर भी आपको समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क में एक लिंक कमेंट बॉक्स दे रखा है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है? SLPRB पुलिस एक्साइज कांस्टेबल वैकेंसी 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। असम स्टेट लेवल पुलिस भर्ती बोर्ड SLPRB ने पुलिस एक्साइज कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए अपनी अधिकारी वेबसाइट पर एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार SLPRB ने एक्साइज कांस्टेबल के 222 रिक्त पदों की भर्ती के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 10 जनवरी 2023 से 8 फरवरी 2023 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से SLPRB में SLPRB पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2023 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम असम पुलिस एक्साइज कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2023 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं असम पुलिस एक्साइज कांस्टेबल वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें, तो आपकी ये भर्ती मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए। अगर बात करें जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए 80 पोस्ट है, फीमेल के लिए 34 पोस्ट है, टोटल 114 पोस्ट है। OBC और MOBC अगर बात करें, तो 42 पोस्ट मेल कैंडिडेट के लिए, 17 पोस्ट फीमेल के लिए, टोटल 59 पोस्ट आपकी है इसमें। SC में 11 पोस्ट मेल कैंडिडेट की, 4 फीमेल की, 15 टोटल इसमें पोस्ट है। अगर बात करें STP की, तो 16 पोस्ट मेल कैंडिडेट के लिए, 7 पोस्ट फीमेल के लिए, 23 पोस्ट टोटल इसमें। STH की अगर बात करें, तो 8 पोस्ट है वो मेल कैंडिडेट के, 3 पोस्ट है वो फीमेल की, टोटल 11 पोस्ट है। अगर टोटल अगर बात करें, तो मेल कैंडिडेट के लिए 157 पोस्ट है, फीमेल की 65 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें, तो आपसे 222 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन आपसे आमंत्रित किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें, तो उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से HSLC पास होना जरूरी है। अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से HSLC पास कर रखी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं अब एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट की अगर बात करें, तो मिनिमम एज आपके 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 30 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा आपको जो सरकारी नियमों के साथ सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है, वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर अपन बात करें, तो आपकी जो असम पुलिस एक्साइज कांस्टेबल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें, तो आपका फॉर्म 10 जनवरी 2023 से भरना शुरू होगा। अगर बात करें असम पुलिस एक्साइज कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में, तो आप 8 फरवरी 2023 तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। चलिए बात करते हैं असम पुलिस एक्साइज कांस्टेबल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इससे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो आपकी कोई फीस इसमें नहीं लगने वाली है, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो बात करते हैं असम पुलिस एक्साइज कांस्टेबल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सबसे पहले इसमें आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जो कि 40 नंबर का आयोजित किया जाएगा। उसके बाद आपका एक रिटर्न एग्जाम होगा, जो कि आपका टोटल 40 नंबर का ये आयोजित किया जाएगा, और टोटल वैसे आपका 100 नंबर का होगा, सॉरी 100 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर का रहेगा। और इसके अलावा आपका इंटरव्यू और ओरल टेस्ट होगा, वो आपका 10 नंबर का रहेगा। तो इस तरह से आपसी आपकी क्या 100 नंबर के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले असम पुलिस एक्साइज कांस्टेबल का जो आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट रहेगा, उसमें आपसे कौन कौन से इवेंट होंगे। तो हाइट की अगर बात करें, तो हाइट आपकी जनरल कैटेगरी OBC और SC कैटेगरी की हाइट आपकी मेल कैंडिडेट के 162.56 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए, और फीमेल के लिए 154.94 सेंटीमीटर आपकी कम से कम होनी जरूरी है। अगर बात करें एससी एसटी कैटेगरी के बारे में, तो 160 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की होनी चाहिए कम से कम हाइट,
और फीमेल की 152.40 सेंटीमीटर आपकी हाइट है वो कम से कम होनी जरूरी है। चेस्ट की अगर बात करें तो ओनली फॉर मेल कैंडिडेट की आपकी मांगी है इसमें, तो जनरल ओबीसी और एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी है उनकी अगर बात करें, उनकी आपकी जो चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर से लेकर 85 सेंटीमीटर यानी कम से कम 80 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए और 85 सेंटीमीटर आपको फुलानी है यानी कम से कम 5 सेंटीमीटर आपको फुलानी होगी। इसके अलावा एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो आपकी 78 सेंटीमीटर कम से कम चेस्ट होनी चाहिए और आपको 5 सेंटीमीटर कम से कम फुलानी, तो आपकी क्या 78 से 83 सेंटीमीटर आपकी क्या चेस्ट होनी जरूरी है। तो ये होगा आपका फिजिकल। अब बात करते हैं जब आपका फिजिकल हो जाएगा उसके बाद आपका पीटी आपका मापा जाएगा। पीटी में कौन कौन से इवेंट होगी, पीटी में अगर बात करें तो रेस होगी आपकी मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रेस आपको 450 सेकंड में पास करनी है, फीमेल के लिए 800 मीटर की रेस है वो 240 सेकंड में पास करनी है, लॉन्ग जंप 335 सेंटीमीटर आपको लगाना है मेल कैंडिडेट को, फीमेल को 244 सेंटीमीटर आपको कम से कम लगाना होगा। अब बात करते हैं जब आपका पीएसटी पीएटी हो जाएगा उसके बाद आपका रिटर्न टेस्ट होगा। रिटर्न टेस्ट की अगर बात करें तो एसएलपी आरबी पुलिस एक्साइज कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से टॉपिक आपसे कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसमें एलिमेट्रिक अर्थमेटिक आएगा, जनरल इंग्लिश आएगा, लॉजिकल रीजनिंग आएगा और असम हिस्ट्री एंड जियोग्राफी यानी असम जी की आएगी आपकी। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर का आपका पेपर है वो आयोजित किया जाएगा। चलिए बात करते हैं थोड़े पेपर के बारे में, तो पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ओएमआर बेस रहेगा, टोटल 100% होंगे। प्रत्येक से उत्तर के लिए आधा अंक दिया जाएगा, लिखित परीक्षा में कुल 50 अंक होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और परीक्षा को हल करने के लिए 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा यानी आपको 2 घंटे में आपको पेपर वो सॉल्व करना होगा और टोटल 50 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं अब असम पुलिस एक्साइज कॉन्स्टेबल का आपका जो सिलेबस है उसके बारे में। सिलेबस के बारे में अगर अपन बात करें तो इसमें रीजनिंग का सिलेबस रहेगा, रीजनिंग में क्या क्या आएगा, लाइनर एंड मैट्रिक्स अरेंजमेंट पजल्स, डायरेक्शन डिस्टेंस, डेटा एनालिसिस, टेबलेशन ऑफ डेटा, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डाइस क्लॉक, डेटा सफिशिएंसी, सिलोजिज्म, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, कैलेंडर, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन से संबंधित टॉपिक क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा एनालिटिक ज्योमेट्री, टाइम एंड वर्क, डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, ऑपरेशन रिसर्च, लाइनर प्रोग्रामिंग, एलजेब्रा, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड इक्वेशन, डायनामिक एंड स्टैटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स और फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, कंपटीशन ऑफ होल नंबर्स, इसके अलावा स्टैटिक्स, नंबर रेशियो एंड टाइम रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, फंडामेंटल अर्थमेटिकल, नंबर सिस्टम, कंपटीशन ऑफ होल नंबर, परसेंटेज एंड मेंशुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ से संबंधित टॉपिक क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। जीके की अगर बात करें तो इसमें आएगा बजट एंड 5 ईयर प्लान आ जाएगा, इंडियन एंड नाइबर कंट्री, कल्चर, साइंटिफिक रिसर्च, नॉलेज ऑफ करंट इवेंट, स्पोर्ट्स, कंट्री एंड कैपिटल, जनरल पॉलिटिक्स, करंट अफेयर, नेशनल इंटरेस्ट दोनों, इकोनॉमिक, बैंकिंग एंड फाइनेंस, साइंस एंड इनोवेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, इकोनॉमिक इंपोर्टेंट, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज और जियोग्राफी। इसके अलावा आपकी जो असम हिस्ट्री आएगी, सबसे ज़्यादा आपका असम हिस्ट्री और जियोग्राफी ऑफ पॉलिटी और इकोनॉमिक से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे, जियोग्राफी ऑफ असम, आर्ट एंड कल्चर ऑफ असम, हिस्ट्री ऑफ असम, असम एग्रीकल्चर, असम नेचुरल रिसोर्स, लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम ऑफ असम, असम इकोनॉमिक, असम पॉलिटी और असम पॉपुलेशन से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक आपको असम जीके के तैयार कर लेने, कुछ एक जीके आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको पिछले 6 से लेकर 9 महीने तक की जितने भी आपके क्या करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको सारे एक बार क्या रीडिंग रीड आउट कर लेने, ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो, एग्जाम में जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर सको। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। इससे पहले बात करते हैं जनरल इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें आएगा सेंटेंस स्ट्रक्चर, पैसेज, इसके अलावा जो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, वर्ब, एडजेक्टिव, क्लोज टेस्ट, एंडोनिम्स और सिनोनिम्स दोनों आएगा, स्पेलिंग एरर, इसके अलावा जो आपका मिस सेपरेट वर्ड है वो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एडियम एंड फ्रेजेज, फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामर, स्पॉट द एरर और वोकैबुलरी संबंधित एप्लीकेशन पूछे जाएंगे। अगर आप इन सभी टॉपिक के मिक्स प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो आपको 50 प्रैक्टिस सेट है बिल्कुल आपके के बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा जा रहा है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके वहां से प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री लगा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। सैलरी के बारे में अगर बात करें तो SLP RB एक्साइज कॉन्स्टेबल की सैलरी आपकी रहने वाली है वो आपका पे बैंड इसमें 2 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी हो 14,000 रुपये से लेकर
49,000 रुपये के आसपास आपको सैलरी दी जाएगी, और इसमें आपका ग्रेड पे वो आपको 5,000 रुपये दिया जाएगा। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी, अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आज की एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से मैंने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में असम पुलिस ने एसएलपी आरबी ने असम पुलिस में एक्साइज कांस्टेबल की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। साथ में उन्होंने डिस्कस किया कि एसएलपी आरबी एक्साइज कांस्टेबल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एसएलपी आरबी एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एसएलपी आरबी एक्साइज कांस्टेबल का सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में असम एक्साइज कांस्टेबल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2023 के बारे में जितने भी आपके डाउट थे वो सारे डाउट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा, आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस करना है ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।